हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो भाई, व्लॉग करना तो हर रोज चाह रहा हूँ। मैंने सोचा यार, एक एक दिन बाद तो कर ही दूँ, बट कुछ कुछ हो जाता है ना, पर्सनल लाइफ आपको पता है। तो पहले वाइफ का फ्रैक्चर का तो दिल नहीं करता था कि बनाऊं। स्पाइडर आ गया भाई, स्पाइडर दिखेगा मेरे को, फोकस नहीं हो रहा इस पे। तो सोचा फिर यार, वो जैसे अब सैड थी तो उस वजह से हम भी सैड थे, दिल नहीं कर रहा था। तो ये भाई ब्रूटस के बाल हैं। अरे कहाँ लगा भाई, दाढ़ी में पर है कहाँ, अभी भी लगा हुआ है। तो वो कर करके ना फिर दिल नहीं हुआ। अब सोचा तो भाई, 3 दिन से ना मेरी लगी पड़ी है भाई, बोला नहीं जा रहा है ठीक से, बिकॉज ये वाली दाढ़ है ना यहाँ नीचे, चिंगम खा ली मैंने और इसका काम फिनिश हो गया। एक तो फेक लगी हुई है, नकली, आफ्टर मार्केट। एक मिनट भाई, आफ्टर मार्केट आ गई, आ जा आ जा। ओके, तो एक तो भाई आफ्टर मार्केट लगी पड़ी है, उसमें भी और उसके पीछे वाले में भी भाई दिक्कत हो गई है। फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, 5 दिन हो गए भाई इस दर्द को झेलते हुए। मेरे को पूछो मत क्या हुआ। फ्राइडे सैटरडे तो थोड़ी थोड़ी हुई, मैंने झेल ली। तो सैटरडे को शाम को होने लगी, फिर डॉक्टर साहब शाम को तो मिलने नहीं थे, मैं गया, पर फिर संडे को डॉक्टर साहब की छुट्टी होती है। फिर भाई सहन किया मैंने, बहुत पेन किलर खाऊं तो पेन किलर से तो बात ना बने। फिर मेरे भाई मंडे को डॉक्टर साहब ही फरलू में थे, उन्होंने बंक मार दिया। अब जब डॉक्टर साहब ने ही बंक मार दिया तो अब हम क्या करते यार। वो छुट्टी हो गई। फिर कल भाई इतने पेशेंट डॉक्टर साहब के पास टाइम ही नहीं, मेरे भाई टाइम ही नहीं, वो अलग दिक्कत हो गई। अब आज 12 बजे की अपॉइंटमेंट दी है डॉक्टर साहब ने, पर उसमें भी ये लोचा पड़ गया हुआ मेरे को कि अभी सबसे पहले डॉगी को लेके जा रहा हूँ इस टाइम, उसको इंजेक्शन लगना है, उसको इंजेक्शन लगा के आऊँगा, फिर जाऊँगा अपना इलाज कराने डॉक्टर साहब का। फिर एक दो काम और थे, अब वो काम हो सकेगा तो करूँगा, क्योंकि अभी डॉक्टर साहब पता नहीं क्या बोलेंगे। वैसे पेन में तो नहीं निकालते, निकालनी ही पड़ेगी, निकलवानी पड़ेगी। तो पेन में तो नहीं निकालते, मेडिसिन देते हैं। तो अब पहले मेडिसिन ले आता हूँ, फिर देखते हैं। यहाँ पर खड़े होने दोनों, तो इनको खड़ा है, इनको लेता हूँ। फ्रेंड्स, अभी हम गाड़ी में बैठ चुके हैं, बुट्टू को लेके जा रहे हैं हम इंजेक्शन के लिए, क्योंकि आजकल ये खाजी खाजी बहुत कर रहा है, क्योंकि बरसातें चली हुई हैं। तो बरसातों में आजकल जो है बहुत ज़्यादा मतलब खतरा है इन्फेक्शन वगैरह का। तो मतलब ये जो है ना, बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है इसको, तो इस वजह से डॉक्टर ने इसको जो इंजेक्शन लग रहे हैं, एक लग चुका है, 5 लगेंगे वेडनेसडे। तो अभी हम लेके जा रहे हैं इसको, और ये देखिए कैसे लटक रहा है राइट। हेलो बेटा, अब क्या हो गया, आप तो बैठ गया गाड़ी में बेटा। और इसको ना गाड़ी में बैठना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, अगर कहीं जाते हैं ना हम गाड़ी में लेके, अगर एक बार लेके गए थे इसको जब हम शिमला ठोक गए थे, ब्रदर की मैरिज थी उस वक्त, इसके बहुत मतलब हाल माड़ा हुआ था, हाल माड़ा मतलब कि इसकी तबीयत बहुत खराब हुई थी और वॉमिटिंग इसको बहुत हुई थी।
तो वो फर्स्ट टाइम था, लास्ट टाइम था, हम इसको कहीं नहीं लेके जाते और उसकी इसकी वजह से हम लोग भी जो है कहीं जा नहीं पाते, मतलब टर्न वाइज हम जाते, एक साथ हम जा नहीं सकते कहीं नहीं। अगर मम्मी जा रहे तो मैं घर पे हूँ, मतलब एक एक दो दो करके ही जाते हैं क्योंकि सफर नहीं कर सकता ये हमारा बच्चा। बच्चा ये लो बेटा, तो ये अभी भी परेशान हो रहा है। बस घर से जो है 10 मिनट का रास्ता है हॉस्पिटल का, वेटनरी हॉस्पिटल, पर फिर भी इसको बहुत ज्यादा, मतलब ये आप देख सकते हैं अगर हो सकेगा नीचे थोड़ा सा जो शूट हो गया तो ठीक है, क्योंकि इसको पकड़ना पड़ेगा, मुश्किल है। हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं हम और यहाँ पे लग रहा है आज बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, लोग बहुत आए हुए। तो रोटी गेट रेडी, चलिए अब चलते बाहर उतरते। ओ कहाँ से जा रहे, कहाँ से जा रहे, इसका वो ले लिया तुमने पर्चा, पर्ची जा रही है। ओके ले। और तुम्हारी वाली पर्ची कहाँ है, तुम्हारा तो नहीं है ना इसमें कुछ है? मेरा ही दवाई है। अच्छा हाँ सुबह भीड़ होती है। अच्छा डंडा रह गया, गाड़ी में लेके आऊँ? मम्मी ने बोला ये पकड़ के रखियो डंडा जैसा, थोड़ा डर रहेगा, मैं लेके आऊँ। डॉगी है या तो ऑपरेशन वगैरह होगा। तो ये देखिए यहाँ पे थोड़ी देर ले चलते बाहर, आज यहाँ पे सुबह सुबह क्राउड बहुत है, 11 बज चुके हैं। और ये देखिए पिटबुल, हाँ 9:30 खुल जाते हैं, हैं फिर 2 से 4 हो गए। वो भी बच्चा है शायद, है ना बच्चा। वो अंकल उसको खींच रहा है, वो मुझे पीछे मुड़ के मुझे देख रहा है घिसीट घिसीट के। यार कोई तो होना चाहिए यहाँ पर, यहाँ पर बाहर जाए इसको मैं का गुज्जा पता। हाँ ये तो है, ये लड़ने लग जाएगा बेवकूफ सा। ब्रूटो बोला चला जाता है। अच्छा बूटू और वहां से देखो वो ये देखो शेर बना हुआ है यहाँ पे, चल पिद्दा सा, पता चलेगा तब काटी करेगा ना तेरे को, टंगड़ी हाथ में आ जाएगी। हाँ जी अच्छा आपने जाना है, फोटो ले लो, फोटो ले लो, कहाँ जा रहे हैं? इंजेक्शन लगा इसको अभी, कुछ नहीं बना। तो अभी हम जा रहे हैं घर की तरफ, क्योंकि ब्रूटू को लगता है घर में ही अच्छा, और घर पे ये पिएगा ठंडी ठंडी लस्सी। अब तू लेके जाएगी? हाँ मैं लेके चल जाऊंगी, कोई बात नहीं। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा, 15-20 मिनट लगे होंगे हमको वहाँ, है ना? हाँ मैं थोड़ा भीड़ भड़क का जैसा था ना वो।
ये देखिए मेरे पति देव को भी सिर पे खुजली लग रही है। मेरे को तो कुछ ऐसे अजीब सा वो हो रहा है कि आंटी ने कहीं छू भी गई ना वो नीडल, यहाँ लेने के देने पड़ जाएंगे। इसलिए आंटी ने कितने अच्छे से लगाया। हाँ पता भी नहीं चला मुझे कि कब लगा के फारिक होगी, है ना। हाँ तो फ्रेंड्स अभी हम जो है घर की तरफ जा रहे हैं। एक चीज बताती हूँ, हम लोग ना इंजेक्शन लग रहा था ब्रूटी को, तो वहाँ पे ना एक पिटबुल आया हुआ था, वो एक साल का है, ग्रे कलर का था वो, ऐसे लग रहा है ना ग्रे कलर का था वो पिटबुल ना, बच्चा अलग तो क्यूट गोलू मोलू था लग रहा था। और उसकी आंख ना, उसकी आंख बिल्कुल मतलब बाहर रेड कलर हुई हुई आंख, मतलब मांस ना बाहर को निकला हुआ। फिर मैंने उन भैया से पूछा, मैं कहा इसको क्या हुआ, कहते इसको ना बिल्ली ने पंजा मार दिया। यानी कि पिटबुल की आंख बिल्कुल उस डॉगी की बेचारे की ना पूरी आंख, लेकिन भयंकर था वो, एक साल का बच्चा था, उसने जर्मन शेफर्ड को भी डरा रहा था वहाँ भोंग भोंग के, सब डॉगीज को डरा रहा था वो। हाँ सबके साथ लड़ रहा था, इतना लड़का था, सच्ची बात है। जब से तो हमने वो न्यूज सुनी है ना लखनऊ वाली, तब से तो देख के ना डर ही लगता है ना, होते भयंकर है ये। मैं सोच रही थी एक साल का बच्चा है तो थोड़ा शरीफ होएगा, स्वाभाव शरीफ होएगा, बिल्ली ने अच्छा ही बदला ले लिया उससे, सच्ची बात है। कहाँ शेर बिल्ली से जो है, बिल्ली के पंजे से घायल हो गया, उसकी पूरी आंख ना बाहर मतलब निकल गई हुई थोड़ी सी, थोड़ी सी भी। क्या है, उसके मालिक ने देख लिया होगा, नहीं तो बिल्ली ने नोच देना था। हाँ बिल्कुल रेड हुआ पड़ा। मैं थोड़ा सा, मैंने हल्का सा शूट किया है, मैं दिखाऊंगी आपको वीडियो में, देख लेना आपने। तो बस अब पहुंचने वाले हैं घर। ब्रूटू जी हवा खा रहे हैं ठंडी ठंडी, इसको ऐसे ही बैठना अच्छा लगता है, लेकिन बहुत ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर सकते जैसे कि मैंने आपको बताया। और इसके बाद विक्की जी जा रहे हैं अपना ट्रीटमेंट करवाने दांतों का, क्योंकि इनको दांतों में बहुत ज़्यादा पेन हो रही है और खाना भी नहीं खाया जा रहा, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो बस अभी हम जो है, और यहाँ पर ट्रैफिक लग चुका है हॉस्पिटल के पास। बूटा बेबी मिला, हाय। फिलहाल भाई अपने देखे, हम आ चुके हैं घर, दो इंजेक्शन लग चुके हैं, ये उसकी मालकिन, ये उसका मालिक। अब अपने काम के लिए जाऊंगा, पहले डेंटिस्ट साहब ने बोला 12 बजे, अब बिजी पर्सन है, अब बोल दिया 1 बजे, तो अब आपको थोड़ी देर में मिलते हैं, तब तक के लिए। तो भाई वेलकम बैक, अब चले हैं डेंटिस्ट साहब के पास, 12:44 हो चुके हैं, इसको लेके जाएंगे। दिख रहा है बहुत टाइम हो गया, इसको भी चलाया नहीं है। और अपना ये उठा लेते हैं ऐसे, आई से हेलमेट उठा लिया है हमने, दो मिनट स्टार्ट कर लेते हैं, स्टार्ट। बंद भी हो चुका है जी, तो अब ऐसा है मेरे नीचे मिलते हैं, देखते हैं क्या होता है। हाल बहुत बुरे हैं, करवाना ही करवाना है, जैसे मर्जी कराएं, जहां मर्जी से कराएं, क्योंकि ये 4-5 दिन जैसे मैंने झेल लिया था, मेरे को पता है मेरे से बोला भी नहीं जा रहा। तो कर लेता हूँ इसको स्टार्ट, मिलते हैं आपको फिर नीचे। किया था वैसे मैंने अभी पहले स्टार्ट, फिर उनका फोन आ गया मेरे को, भाई स्टार्ट नहीं हो रहा, भाई स्टार्ट नहीं हो रहा भाई,